हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में केमोनैक 600 ईएफ टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। केमोनैक ईएफ इपोरेसेंट टैबलेट का मुख्य दो उपयोग कफ को पतला करने के लिए यूज किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। केमो हेल्थ केयर कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 270 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। केमोनैक 600 ईएफ टैबलेट में एसिटिल सिस्टीन बीपी 600 mg यह कंटेंट समस्ट है। इसमें मौजूद एसिटिल सिस्टीन यह एक म्यूकोलाइटिक ड्रग है। यह बलगम को पतला करके काम करता है, जिससे खांसना आसान हो जाता है। इस प्रकार यह वायु मार्ग को साफ करता है, इससे सांस लेने में आसानी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग लंग्स में मौजूद कफ को पतला करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसे ब्रोंकाइटिस की समस्या में भी यूज करते हैं। ब्रोंकाइटिस यह लंग्स से जुड़ी समस्या होती है। इसमें रोगी की ब्रोंकोटियल ट्यूब पर सूजन आ जाती है। इससे रोगी के फेफड़ों में हवा और ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे सिस्टिक फाइब्रोसिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। यह बीमारी माता पिता से बच्चों में आने वाली समस्या है। इसमें आपके फेफड़े, पाचन तंत्र और अन्य अंगों को हानि पहुँचती है, जो बलगम, पसीना, पाचन रस बनाते हैं। यह तरल पदार्थ सामान्य रूप से पतले और चिकने होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मुख्य दो उपयोग सीओपीडी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस समस्या में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसे खांसी की समस्या में भी यूज किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग दवा का ओवरडोज होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। दवा का ओवरडोज होने के बाद यह टैबलेट लेने से रोगी को काफी आराम मिलता है। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासी से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोस उनसे निश्चित कर ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपके समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इस टैबलेट को 1 गिलास पानी में डालकर इसे पूरी तरह से पानी में घोलकर पिए। इस टैबलेट को डायरेक्ट न ले, इसे पानी में मिलाकर ही पिए। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको बुखार, मितली, उल्टी, सिर दर्द, अपचन, रैशेस यह कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन, टैबलेट, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट ले सकती है, पर वह टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।